नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने बनाई कोविड रिलीफ फंड, खुद भी की 5 लाख के योगदान की घोषणा। हरियाणा में भी सभी राज्य लॉकडाउन, विच बोले सख्ती से निपटेंगे। नाकेबंदी के बाद भी नहीं मान रहे लोग, पुलिस ने कराई उठक बैठक। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हरियाणा कोविड रिलीफ फंड के स्थापना की घोषणा की है। इसमें समाज के लोग अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने हरियाणा कोविड रिलीफ फंड के लिए स्वयं अपनी व्यक्तिगत बचत से 5 लाख रुपए के प्रारंभिक योगदान की घोषणा भी की है। इस फंड में राशि उन सभी व्यक्तियों से योगदान के लिए आमंत्रित की जाएगी जो आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों का समर्थन करने में सक्षम है। सीएम ने कहा है कि उनकी अपील पर राज्य के सभी विधायक भी इस फंड में 1 महीने के वेतन का योगदान करेंगे। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी अपने 1 महीने के वेतन का 20% इस फंड में प्रारंभिक योगदान देंगे। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में अब हरियाणा ने भी पूरे राज्य को लॉकडाउन करने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है, जिसके बाद हरियाणा में इसे सख्ती से लागू करवाने का भी सरकार ने मन बना लिया है। सुबह के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़े शब्दों में कहा है कि इस लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा और अगर लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर घूमेंगे तो इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने क्वारंटाइन किए गए लोगों को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन से भागने वालों की अब खैर नहीं। बता दें कि खुद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने की बात कही है। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जीएमसीएच 32 में जरूरी चीजें, खासकर वेंटिलेटर खरीदने के लिए सांसद विकास निधि से 1 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने ये राशि हॉस्पिटल को अपने मेंबर पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से दी है। चंडीगढ़ के डीसी मनदीप सिंह बराड को लिखे पत्र में खेर ने कहा है कि इस कार्य को बहुत जरूरी माना जाए। सांसद की यह पहल अच्छी है, लेकिन रकम अभी वेंटिलेटर खरीदने में काम नहीं आ सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर वेंटिलेटर विदेशों से मंगवाए जाते हैं और कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में आयात निर्यात प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इस राशि से इन दिनों में वेंटिलेटर मंगवाना मुश्किल होगा। हरियाणा में लॉकडाउन का मंगलवार को पहला दिन है। इससे पहले रविवार को प्रदेश के 7 जिलों को लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लोग सड़कों पर बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस जगह जगह नाकाबंदी करके लोगों को रोक जरूर रही है, लेकिन लोग पहले से बहाने तैयार करके चल रहे हैं। जिसको देखते हुए करनाल में पुलिस ने सब्जी मंडी बंद करवाई है। वहीं कुछ जगह बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने उठक बैठक भी करवाई है। भिवानी में पुलिसकर्मी लोगों को हाथ जोड़कर अपील करते भी नजर आए। हरियाणा में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का हुक्म है, जिसके चलते उकलाना में भी इसका पूरा असर दिखा। उकलाना में सभी दुकानें बंद कर दी गई और जगह जगह पुलिस नाके लगाकर आने जाने वालों को रोक रही है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर जहां हरियाणा में भी लॉकडाउन किया गया है और इस महामारी से बचने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के चलते चरखी दादरी और पानीपत में भी सभी गली मोहल्लों और वार्डों में वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर फॉगिंग व दवा का छिड़काव करवाया गया। प्रशासन द्वारा पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि इस महामारी से बचने में मदद मिल सके।
भिवानी शहर के चारों तरफ से पुलिस प्रशासन द्वारा नाकेबंदी की गई है और इस नाकेबंदी के दौरान कई नाकों पर भिवानी ट्रैफिक पुलिस सीट बेल्ट और हेलमेट के साथ साथ मास्क पहनने की भी सलाह दे रही है। जो व्यक्ति बिना मास्क के भिवानी शहर में अपने वाहन से प्रवेश करता है तो उन पर ट्रैफिक पुलिस की नजर बनी हुई है। बिना मास्क के शहर में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों को भिवानी ट्रैफिक पुलिस कोरोना वायरस महामारी के बारे में जागरूक कर रही है। साथ में पुलिस ने वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में भी जानकारी दी। हम जो अंदर जा रहा उस लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई मास्क लगा के जाओ, जबकि हमारा भिवानी डिस्ट्रिक्ट शट डाउन के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो भी अंदर जा रहा है उसको जागरूक कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, ये आपकी ड्यूटी में निहित है या एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये आप लोगों को जानते हैं? सर ये हमारी ड्यूटी में भी निहित है और एक हम जागरूक नागरिक होने के नाते भी जो भी जाता है उसको ये संदेश दे रहे हैं। क्या मानते हैं सर, कितना प्रभाव पड़ेगा इससे? सर इससे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, खुद जो भी लोग आ रहे हैं उनको हम बता रहे हैं तो काफ़ी इस चीज़ का पालन कर रहे हैं, भिवानी शहर के लोगों को इससे काफ़ी फायदा होगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज़ में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।